हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इलेक्ट्रॉनिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास रेस्टोन का एलईडी टीवी आया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर BS2470-LED है। फ्रेंड्स, ये पूरा रेड कंडीशन में आया है। इसको ओपन हम कर लिए हैं, इसको बड़ा कर दें। आइए इसको हटा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। कवर को मैंने हटा लिया। कवर को हटाने के बाद ये देख सकते हैं, पूरा रेड कंडीशन में आया हुआ है। ये पूरा जल गया है, ये मॉस्फेट भी जल गया है और सारे यहाँ पर फ्यूज भी जल गया है। इस फ्यूज हो गया, जल गया है यहाँ से। अब और सारे चेक कर लेते हैं और हम आपको बताते हैं। मेरा मल्टीमीटर हो गया है, प्रोब से मॉस्फेट को चेक करेंगे। देखिए, सब बता रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, सारे कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, क्या क्या शॉर्ट है। ये कंटिन्यूटी रेंज में मेरा मीटर है, ये ब्लैक यहाँ रख लेते हैं ड्रेन पर। सोर्स और गेट से चेक करते हैं, शॉर्ट बता रहा है। आइए डायोड चेक कर लेते हैं, डायोड कैसा है। मेरा डायोड ओके है, तो ये भी डायोड ओके है, ये भी डायोड ओके है, ये भी डायोड ओके है। आइए कंडेंसर को चेक कर लेते हैं। कंडेंसर भी शॉर्ट बतला रहा है, नहीं इस बार नहीं बतला रहा है। आइए फ्रेंड्स, इसको अब चलते हैं, इसको मॉस्फेट को ओपन करते हैं। मॉस्फेट को ओपन करने के बाद इसमें दूसरा लगा कर देखते हैं, क्या ड्राइवर ओके है। ड्राइवर ओके होगा तो दूसरा मॉस्फेट डालेंगे, नहीं तो मॉड्यूल आती है जो मॉड्यूल डालेंगे। आइए फ्रेंड, चलते हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं। आइए फ्रेंड, इसमें ये वाला मॉड्यूल हम सेट करेंगे। आइए दिखा देते हैं, JHT 888 वाला मॉड्यूल इसमें सेट करेंगे। आइए इसमें हम कनेक्शन वायर हम बतला दें, कौन कहाँ पर लगेगा। इसका कनेक्शन बतला देते हैं, जो इसमें का काला वाला वायर है, उसका काला वायर ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, फिल्टर का ग्राउंड। और इसमें जो ये ब्लू वाला वायर है, ये कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, फिल्टर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और फिल्टर के पॉजिटिव से होगा। और बच गया ये वाला तीन वायर, ये पीला वाला है मॉस्फेट का, जो इसका जो मॉस्फेट लगा रहता है उसके ड्रेन से कनेक्ट होगा पीला वाला। और रेड उजला बच गया, रेड और उजला, रेड कनेक्ट उजला कनेक्ट होगा ऑटो कपलर के पिन नंबर 4 पर। जो ऑटो कपलर है, यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर ऑटो कपलर है, बुनका होता है उसका अपोजिट वाले पिन पर, सामने वाला अपोजिट वाला पिन पर कनेक्ट होगा। और बच गया रेड, रेड ट्रांसफार्मर का फीडबैक कॉइल होती है, जिसका डायोड लगा होता है, ये वाला डायोड, डायोड के यहाँ पर पॉजिटिव वाला जहाँ मार्क लगा रहता है उस सिरा से यहाँ कैपेसिटर एक तो लगा हुआ रहता है 50 वोल्ट का, कैपेसिटर के प्लस वाला पॉइंट पर कनेक्ट होगा। आइए इसको कनेक्ट करते हैं और आपको बतलाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इंस्टॉल किया और इसको कनेक्शन किया। देखिए उजला वाला वहाँ पर, एक फ्रेंड मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पहले। फ्रेंड्स, ये वाला जो है ना, ये जो पहले हम बताए हैं, इसमें नए में ही ख़राब दे दिया था, जिस कारण ये काम नहीं कर रहा है। ये देखिए JHT, ये थोड़ा बैड क्वालिटी का आता है, इसी में ये वाला है। इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, DS0088 वाला, ये सही काम करता है फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने इसका सारे कनेक्शन बतला देता हूँ, कहाँ कहाँ मैंने किया हूँ, और इसको चालू कर कर भी बतलाएंगे। देखिए उजला वाला जो है ना, ऑटो कपलर के पिन नंबर 4, यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट के अपोजिट वाले पिन पर 4 नंबर पिन, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर पिन हो गया। ये ग्रीन वाला है, ये फिल्टर कंडेंसर का, फिल्टर कंडेंसर का पॉजिटिव वाला पिन पर, देखिए
और नेगेटिव वाला काला वाला है जो कैपेसिटर का मार्क वाला चिन्ह होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव वाले पॉइंट को हो गया। और पीला वाला है जो मॉस्फेट का ड्रेन है, मैंने वह दोनों पिन ओपन कर दिया हूँ और मॉस्फेट के ड्रेन पर जो है कनेक्ट कर दिया हूँ। और रेड वाला हो गया, ये डायोड आती है, इस कॉइल का होती है, ये वाला हो गया फिल मॉस्फेट स्विचिंग का, हाई हो गया 15 से 18 वोल्ट 20 वोल्ट की एक कॉइल बनी होती है फीडबैक के लिए। इस पर इसके डायोड से डायोड के पॉजिटिव वाले पिन पर यहाँ भी कर सकते हैं और कंडेंसर का पिन नंबर यहाँ पर पॉजिटिव वाले पिन पर भी कर सकते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कर देने के बाद भी आपका मतलब काम नहीं कर रहा है ये वाला एसटीआर, तो ये बात कोई नहीं बताएगा लेकिन हम बता देते हैं, नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर जो ड्राइवर आईसी होती है, यहाँ इसका ड्राइवर आईसी होती है, यहाँ पर ड्राइवर आईसी होती है, और ड्राइवर आईसी को ओपन कर दीजिए और इसको लगाइए। आपको मतलब ऐसे बोलते हैं ना, हाँ क्या 85% आपका काम करेगा ही करेगा। आई अक्सर ये 32 इंच में कुछ 50% बोर्ड में काम करता है और 50% वो नहीं करता है, लेकिन 32 इंच के नीचे के जितने सारे बोर्ड हैं उसमें 85% ये काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको हम बतला देना चाहता हूँ, इसमें 524 भी यूज कर सकते हैं। 524 यूज करने के लिए आप इसको तीन तरह से यूज कर सकते हैं 524 को। देखिए 524 वाला मॉडल है लेकिन इसमें हम यूज नहीं किए हैं, ये हमको सही अच्छा लगा है 24 वोल्ट का, ये कम बजट में हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसको देखिए इसको कैसे कैसे यूज करते हैं, इसको सारे कनेक्शन भी बतला देते हैं। इसका ब्लैक वाला फिल्टर का माइनस वाले पॉइंट पर कंडेंसर का, और रेड वाला वायर चला जाएगा आपको मॉस्फेट के ड्रेन पर। बच गया ये दो वाला, आप जैसे बोर्ड लाते हैं और वैसे ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको पीला वाला को आउटपुट कंडेंसर के पॉजिटिव पर और नीला वाला को आउटपुट कंडेंसर के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दीजिए और प्री चेक का वोल्टेज पूरा कम कर दीजिए और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाकर अपना सेट कर सकते हैं। ये पहल का मीटर हो गया, दूसरी का मीटर हो गया, ये ऑटो कपलर को एक साइड से ओपन करते हैं। देखिए एक मिनट, ये बुनका के टाइप बुनका दिखाई दे रहा है, एक नंबर पिन इधर के साइड से ओपन कर दीजिए और दोनों पर ऑटो कपलर पर तार जोड़ दीजिए और इधर इसमें का ऑटो कपलर को ओपन कर दीजिए इसको, और इधर एक नंबर पिन वो बोर्ड में जोड़ दीजिए एक नंबर के साथ और दो नंबर के साथ जोड़ दीजिए। ये दूसरे का मैटर हो गया, ई वाला छेड़छाड़ नहीं करना है, ब्लैक वाला रेड वाला वो सेम का सेम रहेगा। और तीसरे का मैटर हो गया ऑटो कपलर का पीछे के साइड का कंडेंसर, इसको ओपन कर दीजिए और यहाँ से इसका पीछे के साइड का ओपन कर दीजिए और यहाँ पर जैसे सेम लग रहा है वैसे सेम इसका कनेक्शन कर दीजिए। इधर वाला तार इधर तीन नंबर, चार नंबर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, आपको 100% काम करता करेगा। आइए इसको आप चालू करके हम दिखा देते हैं। चलिए ये मेरा एसी प्रोप हो गया, एसी प्रोप को लाइन में लेते हैं। लाइन में लेने के बाद मेरा एलईडी जल गया है और एलईडी जलने के बाद यहाँ पर कुछ देर के बाद मेरा टीवी चालू होगा। देखिए ये वेस्टर्न लेकर आ गया, वेस्टर्न का टीवी है फर्स्ट क्लास। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, इसलिए वेलकम इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स, ये SMPS के बारे में ऐसा कोई नहीं बतलाएगा जैसे हम बतला दिए हैं। फ्रेंड्स चलिए ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।